यहाँ रख दीजिए आप, छोटे भाई मौका है और ये तमाम मुसलमानों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत अहम मामला है कि ख़ास तौर पे बकरीद में इस बात को याद दिलाया जाता है कि हम गरीबों को, मिस्कीनों को, नादारों को, यतीमों को, बेरोज़गारों को और तमाम पिछले वर्ग के जितने लोग हैं सबको हम याद रखें और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए तो ये लाजमी है, ये ज़रूरी है कि वो गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और आपस में मेल मिलाप मोहब्बत को आम करें। ये ख़ास इस बात का पैगाम होता है कि कुर्बानी करके जब हम उसकी दावत करते हैं तो ये हमारे आपस में मोहब्बतों का इजाफा होता है, हमारे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और इससे जब मोहब्बत बढ़ेगी तो समाज बेहतर होगा, देश बेहतर होगा और आज तो दुनिया को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तो वो मोहब्बत की, वो आपस के मोहब्बत की ज़रूरत है। और हम आपस में एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़, एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे का नुक्स निकाल करके हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि सबको ले करके चलें और सबको आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएँ और सबों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। इसी से आगे हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा मुल्क बढ़ेगा और हम तरक्की के रास्ते पर आगे की तरफ चलेंगे। तो दूसरे मुल्कों में क्यों की मतलब नहीं है हमारे जमीन के दूसरे ममालिक। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।